हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसी 200 सीसी की बाइक्स जिनके बीच में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होता है। बहुत बार आप लोग मुझसे पूछते रहते हो, भाई क्या पल्सर आरएस 200 लेना ज़्यादा बेटर है या केटीएम आरसी 200 लेना ज़्यादा बेटर है। आज की इस वीडियो में ये दोनों बाइक के बीच में फुली कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर है, कौन सी बाइक वैल्यू फॉर मनी है, कौन सी चीज़ें हमें किस बाइक में ज्यादा बेटर देखने को मिल जाती है, ये भी चीजें हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन करने वाला हूं, ताकि आपको ये पता चल सके कि किस बाइक में क्या चीज ज्यादा बेटर मिलती है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक्स के प्राइस के बारे में। दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेंगे दोनों ही बाइक्स के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। पल्सर आरएस 200 है दोस्तों, उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1.49 लाख, 1,49,000 रुपये इस बाइक का एक्स शोरूम प्राइस है। एंड केटीएम आरसी जो 200 है दोस्तों, उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 2 लाख रुपये। जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेंगे दोनों बाइक के इंजन के बारे में एंड इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, ताकि हमें यह समझ में आ सके कि किस बाइक का इंजन कितना ज्यादा पावरफुल है। इंजन टाइप में आरएस 200 में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ट्रिपल स्पार्क प्लग, 4 वाल्व 200 सीसी लिक्विड कूल इंजन एफआई इंजन देखने को मिल जाता है। वहीं आरसी में हमें सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल एफआई डीओएससी इंजन देखने को मिल जाता है। बात कर लेंगे दोनों ही बाइक की सीसी के बारे में। ऑब्वियसली हम दोनों ही बाइक्स को 200 सीसी के नाम से जानते हैं। आरसी 200 में 199.5 सीसी, आरएस 200 में भी 199.5 सीसी, नॉर्मली इसे 200 सीसी बाइक कहते हैं। बात कर लेंगे दोस्तों दोनों ही बाइक के पावर एंड टॉर्क के बारे में। आरएस 200 में 24.5 का पीएस पावर मिलता है, आरसी 200 में 25 का पीएस पावर देखने को मिल जाता है, यानी कि 0.5 आपको आरसी 200 में ज्यादा पावर मिलता है। टॉर्क में 18.7 का न्यूटन मीटर टॉर्क आरएस 200 में मिलता है एंड आरसी में 19.2 का टॉर्क देखने को मिल जाता है, यानी कि आरसी में हमें टॉर्क थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाता है कंपेरिजन टू आरएस 200। तो यहाँ पे दोस्तों पावर डिफरेंस आपने देखा, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, माइनर डिफरेंस आपको दोनों ही बाइक्स में पावर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा लॉजिक ये होता है कि जो आरसी है दोस्तों वो काफ़ी लाइट वेट है एंड केटीएम की जो गाड़ियाँ होती है उन्हें इनिशियल पावर के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, यानी कि उनका जो टॉप होता है गाड़ियों का 0 to 100 टॉप जिसे हम कहते हैं, नॉर्मली एक्सेलरेशन भी जिसे हम कहते हैं, तो वो आपको आरसी में ज़्यादा बेटर मिलता है। लेकिन आरएस 200 में आपको टॉप स्पीड ज़्यादा देखने को है, तो ये भी एक लॉजिक है, ठीक है। वन नंबर ऑफ सिलेंडर में दोनों ही बाइक को डिजाइन किया गया है। कूलिंग सिस्टम में दोनों में लिक्विड कूल मिल जाता है। 4 वॉल्वो के साथ डिजाइन किया गया है। स्टैंडिंग टाइप में दोनों में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का ऑप्शन मिलता है। साथ में दोस्तों दोनों ही बाइक में फ्यूल इंजेक्शन मिल जाता है, जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। दोनों ही बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही बाइक की माइलेज के बारे में, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है कि अगर हम आजकल शोरूम भी जाएंगे तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि हमें माइलेज कितना मिलेगा। दोस्तों, अगर हम माइलेज के बारे में बात करूँ तो आरएस 200 में आपको 35 to 40 के आसपास का माइलेज हाईवे पे एंड 30 to 35 के आसपास का माइलेज सिटी में देखने को मिलता है। सेम माइलेज आपको आरसी में भी देखने को मिल जाता है, 35 to 40 हाईवे एंड 30 to 35 के आसपास का माइलेज आपको आरसी में भी सिटी में देखने को मिल जाता है, यानी कि माइलेज के कंपैरिजन में दोनों ही बाइक बेटर है, दोनों का कंपैरिजन ऑलमोस्ट सेम है। बात कर लेंगे दोनों ही बाइक के फीचर्स एंड सेफ्टी के बारे में। सबसे पहले अगर हम सेफ्टी के बारे में जानेंगे दोनों ही बाइक्स के बारे में, तो आपको इस दोनों ही बाइक में ABS देखने को मिल जाता है एंड दोनों ही बाइक्स में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, तो ये एक चीज मुझे काफी बेटर लगी। दोनों ही बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम काफी अच्छा है। दोस्तों, बात कर लेंगे हम दोनों ही बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में, तो इसमें आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। आरएस 200 में एनालॉग विद डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, लेकिन आरसी 200 में फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, तो ये एक चीज़ आपको दोनों ही बाइक में डिफरेंस देखने को मिल जाएगी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आरसी 200 का मीटर कंसोल ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आरएस 200 का मीटर कंसोल काफ़ी लोगों को पसंद है। काफ़ी लोग मुझे ये बोलते हैं कि हमें एनालॉग ज़्यादा बेटर लगता है कंपेरिजन टू फुली डिजिटल मीटर, बट अब डिपेंड करता है कि आपको दोनों में कौन सा बेटर लगता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो बोलूँगा भाई आरसी 200 का मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। और वहीं स्पेसिफिकेशन में जाएंगे तो दोनों ही में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, टेकोमीटर मिल जाता है, ऑडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर मिल जाता है,
क्लॉक मिल जाता है, लो ऑयल इंडिकेटर मिलता है, लो बैटरी इंडिकेटर मिलता है, सर्विस रिमाइंडर मिलता है, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ आपको दोनों ही बाइक्स में देखने को मिल जाती है। लेकिन एक तरफ है फुली डिजिटल मीटर एंड एक तरफ है एनालॉग विद डिजिटल मीटर। अब डिपेंड करता है कि ये दोनों में आपको कौन सा पसंद आएगा, ये आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। बाकी है तो दोनों का स्पीडोमीटर काफ़ी अच्छा। वहीं दोस्तों बात कर लेंगे दोनों ही बाइक्स के टॉप स्पीड के बारे में, तो यहाँ पे RS 200 ज़्यादा बेटर है। कंपनी क्लेम करती है 140 to 145 के आसपास, एंड हमारी जो RC दोस्तों वो मैंने देखा 130-136 के आसपास जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं टॉप स्पीड में RS 200 ज़्यादा बेटर है, लेकिन पिकअप के मामले में RC ज़्यादा बेटर है, यानी कि इनिशियल पावर। बात कर लेंगे दोनों ही बाइक के चेचिस एंड सस्पेंशन के बारे में। चेचिस टाइप में RS 200 में पैरामीटर फ्रेम मिलता है एंड RC में स्टील ट्रेल्स फ्रेम मिलते हैं। बॉडी टाइप दोनों ही स्पोर्ट बाइक है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ड्यूक 200 NS 200 नेकेड स्पोर्ट बाइक, लेकिन ये फुली स्पोर्ट बाइक। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही बाइक के सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन में मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि RC 200 में आपको ज़्यादा बेटर सस्पेंशन मिलते हैं। RS 200 में फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक मिलता है, लेकिन RC 200 में WP USD 43mm अपसाइड डाउन मिलते हैं। टेलीस्कोपिक से अपसाइड डाउन ज़्यादा बेटर होते हैं। एंड रियर में RS 200 में नाइट्रो मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलता है, RC 200 में सेम WP मोनोशॉक देखने को मिलता है। दोनों ही बाइक के सस्पेंशन काफी बेटर है, RC 200 के सस्पेंशन ज्यादा बेटर मुझे लगे हैं। ऐसा हम कंपैरिजन कर सकते हैं MI Note 8 या MI Note 9, तो इतना आपको सस्पेंशन में इसमें दोनों ही बाइक में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बॉडी ग्राफिक्स भी आपको दोनों ही बाइक में देखने को मिल जाती है। वही बात कर लेंगे दोनों ही बाइक के दोस्तों कैपेसिटी एंड लेंथ के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें दोनों बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, RS 200 का ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों 157 mm का, जी हाँ 157 mm का। और वहीं RC जो 200 आती है उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 178.5 mm का। वहीं बात कर लेंगे दोस्तों दोनों बाइक की सीट हाइट के बारे में, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि यार कहीं ना कहीं हम अपनी हाइट को देखकर भी किसी परचेस करते हैं। हमारी जो RC 200 आती है दोस्तों उसकी जो सीट हाइट है वो हमें देखने को मिल जाती है 835 mm, जी हाँ 835 mm, 835 mm की सीट हाइट आपको RC 200 में देखने को मिल जाती है, एंड RS 200 में 810 mm की सीट हाइट हमें देखने को मिल जाती है। वहीं दोस्तों फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी RS 200 में मिलती है, RC 200 में 9.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, तो ये एक चीज़ आपको RS 200 में ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाती है। वहीं बात कर लेंगे दोनों बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, लाइट्स के बारे में, तो यहाँ पे लाइट्स में आपको दोनों बाइक में बहुत ही अच्छी लाइट देखने को मिलती है। दोनों ही बाइक में आपको हेडलाइट में प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलते हैं, डुअल प्रोजेक्टर लाइट दोनों ही बाइक में आपको मिल जाते हैं हेडलाइट्स में। टेल लाइट में दोनों में LED मिलता है, टर्न सिंगल लैप में भी दोनों में आपको LED देखने को मिल जाता है दोस्तों, LED टेल लाइट्स मिल जाती है, DCMF बैटरी देखने को मिल जाती है। वही दोस्तों अगर हम बात कर ले दोनों ही बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में, तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी बेटर लगती है RC 200 में आपको थोड़े बेटर टायर्स देखने को मिल जाते हैं कंपेरिजन टू RS 200। वहीं दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं दोनों के टायर साइज के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेंगे RS 200 के टायर साइज के बारे में। RS 200 में फ्रंट में आपको 180 का टायर देखने को मिलता है, एंड रियर में 130-70 का टायर देखने को मिल जाता है। RC 200 में फ्रंट में 110-70 का टायर देखने को मिल जाता है, एंड 150-60 का टायर रियर में देखने को मिल जाता है। इसलिए मैं कह रहा था कि RC में थोड़े ज्यादा टायर आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। टायर टाइप दोनों में ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, व्हील टाइप दोनों में अला व्हील देखने को मिल जाता है। ब्रेकिंग सिस्टम में क्लियर किया था दोनों ही बाइक में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। एंड वही बात कर लेंगे डिस्प्लेट के बारे में, दोनों ही बाइक में आपको डुअल डिस्क देखने को मिलता है। फ्रंट में दोनों ही बाइक में 300 mm की प्लेट देखने को मिल जाती है, एंड रियर में दोनों ही बाइक में आपको 230 mm की डिस्क प्लेट देखने को मिल जाती है। तो ये था दोस्तों पल्सर RS 200 वर्सेस KTM RC 200। अब आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर लगी, और अगर आप लोग मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि यार मेरे हिसाब से ना अगर आपको लुक चाहिए ना तो RC 200 ज़्यादा बेटर है। लुकिंग वाइज बहुत प्यारी लगती है KTM की, KTM लुक से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, उनकी जो ग्राफिक्स होती है ना वो काफ़ी अलग होती है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि वैल्यू फॉर मनी बाइक कौन सी, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा आप RS 200 ले सकते हो, काफी वैल्यू फॉर मनी बाइक है।
ठीक है, दोनों बाइक में आपको सीधा सीधा 50,000 रुपीज़ के आसपास का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, 50 to 60,000 रुपीज़ के आसपास का। तो कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी बाइक है RS 200। लेकिन अगर आप KTM RC 200 भी ले रहे हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिल रहे हैं जो कि मैंने आपको वीडियो में बताए हैं, लाइक सस्पेंशन, बाइक का लुक, फुली डिजिटल मीटर। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा बेटर मिलती है RC 200 में। लेकिन ओवरऑल दोनों ही गाड़ियाँ अपने सेगमेंट में बेस्ट है। अब डिपेंड करता है दोस्तों कि आप लोग कौन सी बाइक लेते हो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें।